हमारे मुल्क में आमतौर से कहा जाता है कि कुछ आलिमों की ज़बानों में तासीर नहीं रह गई, तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। नमस्कार, आदाब दोस्तों। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा आपको कड़वी लगे, क्योंकि राजनीति हो, धर्म हो, हर जगह आंख बंद करके भरोसा करने वाले लोग होते हैं। कहीं आप आंख बंद करते हैं, कहीं हम बंद करते हैं, सब मिलाकर वीडियो के जरिए जो कहना है, वीडियो आप जब पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी धर्म गुरु को, या यूं समझ लीजिए कि आलमी दीन को चंदा दें, ये भरोसा करके कि इस कौम को, इस कौम के उन बच्चों को जिन्हें उसकी ज़रूरत हो काम आएगा, और उसमें घोटाला हो जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा। ये वीडियो इसी पर आधारित है, इसीलिए बनाई गई। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है जमीयत उलमाए हिंद यानी आलिमों की एक जमात, और जमीयत का जो काम है पूरी दुनिया में देखा जाता है और लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। मैं भी भरोसा करता हूं। भिवंडी शहर में एक फर्जी मौलाना, यानी फर्जी इसलिए कि उनके पास तो ना कोई सनद थी ना कुछ था, मगर जमीयत की पावती लेकर उन्होंने 1 लाख रुपए से ऊपर वसूली कर लिया चंदे की, और वो हड़प कर गए। तो जब ये बात मुझे और मेरे एक दोस्त हैं अबरार अंसारी, उन्हें पता चला, तो हम दोनों ने मिलकर इस पैसे को इस फर्जी मौलाना से वसूल कर उस मौलाना को दिया जिसका नाम मौलाना हलीमुल्ला कासमी है। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी बड़ी जमात जो मुसलमानों के लिए काम कर रही हो, उनके दुख दर्द में शामिल हो, अगर कहीं कोई परेशानी आ जाए तो उसमें खड़ी हो, वहाँ मौजूद जो लोग परेशान हाल हैं उनकी मदद करे, तो आपको लगेगा कि आपने रमज़ान महीने में या आम दिनों में जो चंदा दिया है वो इसलिए कि उम्मते मुसलमा को काम आए, तो आपको खुशी होगी। अब ज़रा सोचिए ना कि वो पैसा अगर उसमें घोटाला हो जाए तब आपके दिल को कैसा लगेगा। ये पूरी वीडियो आप जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आपकी मेहनत की कमाई कहाँ कैसे डुबाई गई। बात कर रहा हूँ मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में जमीयत की ऑफिस इमामबाड़े में है, और एक बड़ा नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। भिवंडी शहर की बात करेंगे तो भिवंडी शहर के मौलाना हलीमुल्ला कासमी की चर्चा भिवंडी में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हो रही है। क्योंकि जमीयत को भेजा गया एक लेटर, भिवंडी शहर के अंसार मोहल्ला क्षेत्र के सिराजुल उलूम के लेटर पैड पर जो मुंबई लेटर भेजा गया था वो लीक हो जाने के बाद ये तहलका मचा है। उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ है कि मरहूम गुलजार आजमी साहब साथ ही एक आलिम दीन और हैं, इन दोनों की मर्जी से नोटबंदी के दौरान एक बड़ी रकम, उस लेटर में ऐसा लिखा हुआ है, एक बड़ी रकम यहाँ मौजूद है, उसको हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये इनकम टैक्स की नज़र हो जाएगी। तो फिर जबान में तासीर कहाँ से रहेगी आलिमों के। कुछ आलिमों की बात कर रहा हूँ मैं। जब इनकम टैक्स से चोरी करके रकम बचाई जा रही है और वो रकम उठाकर भिवंडी शहर के सिराजुल उलूम में आ जाती है, पर इस ये रकम जमीयत को यानी मुंबई कार्यालय को वापस दी जाएगी। बाद में ये बताया गया कि ये रकम सिराजुल उलूम को बतौर कर्ज दे दी गई है। ये बात तीन ही लोगों को मालूम है, मुफ्ती लईक साहब, हलीमुल्ला कासमी साहब, निज़ामुद्दीन अंसारी के साहबजादे बिलाल साहब,
साथ ही एक और नाम। लेटर पेड पर तीन ही लोगों का नाम है। तो एक शूरा यानी एक कमेटी, कमेटी मतलब शूरा कहा जाता है। तो जब एक कमेटी में एक दर्जन से ज़ायद लोग हैं तो इस पैसे की जानकारी तीन ही लोगों को क्यों थी, एक सवाल। दूसरा सवाल, मरहूम गुलजार आज़मी और दूसरे एक आलिम-ए-दीन जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस दौरान जमीयत के लॉकर में से जो कैश लाया गया भिवंडी, लाने वाले मौलाना हलीमुल्ला कासमी, ये सिराजुल उलूम के कैशियर यानी खजानची भी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मालेगांव के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने खुलकर ये आरोप लगाया, और ये आरोप सिर्फ उन्होंने नहीं लगाया, कई आलिमों ने लगाया जो मुंबई से जुड़े हुए हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, और इससे पहले हमने चैनल पर उनके वीडियोस आपको दिए भी हैं ताकि आप देखें जो आप कहते हैं कि कुछ आलिम-ए-दीन की ज़बानों में तासीर नहीं रह गई तो ये हालात हो गए। अब मसला ये था कि वो पैसा कितना था जो जमीयत की ऑफिस से भिवंडी लाया गया, कोई हिसाब नहीं। बस कोई कहता है कि 2 करोड़ था, कोई कहता है 5 करोड़ था, कोई कहता है 6 करोड़ था, कोई कहता है कि वो कबाड़ पूरी तरह से भरा हुआ था। तो इसमें सच्चाई भी यही है कि वो भरा हुआ था, क्योंकि जमीयत का जो काम है बड़े पैमाने पर मुंबई से पूरे देश में चलाया जाता है, दूसरे ठिकानों से भी चलाया जाता है। पैसों को लेकर तहलका मचा हुआ है। मैंने खुद अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि ये जो आरोप लग रहे हैं क्योंकि भिवंडी ये पैसा आया है, तो इसको साफ किया जाए कि भाई ये पैसा कहाँ है, किसके पास है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसको क्लियर कर दिया जाए, मगर ये नहीं किया गया। उसके बाद फिर आवाज़ उठने लगी। मैंने खुद गृह मंत्रालय को पत्र दिया है, साथ ही भिवंडी प्रांत कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय को पत्र दिया है, कुछ और पत्र जा चुके हैं कि ये करोड़ों का जो फंड है ये इस मुल्क के मुसलमानों का है, इसकी जांच होनी चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई का कुछ पैसा लोग इंसानी बुनियादों पर जमीयत को या जमीयत से जुड़े हुए लोगों को इसलिए देते हैं ताकि अगर कोई बुरा वक्त आए, कोई मुसीबत आए, तो इस फंड का इस्तेमाल किया जा सके। मगर ये फंड कैसे कैसे डूब रहा है। भिवंडी शहर के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अगर आपने जमीयत को फंड दिया है, भिवंडी के किसी जिम्मेदार को जिम्मेदार समझकर आप उससे पूछिए कि क्या मामला है, वरना फंड देना चाहते तो आपके शहर में दुनिया भर के लोग मौजूद हैं, आपके घर के आसपास नहीं होंगे, उनकी माली मदद करके उन्हें मजबूत कीजिए, एक फैमिली एक परिवार मजबूत होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जमीयत को फंड ना दीजिए, जमीयत के कारनामे बड़े बड़े हैं, जमीयत को फंड की जरूरत है, मगर जमीयत के जिम्मेदारान जो ऊपर बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि महाराष्ट्र में जमीयत के चुनाव को लेकर जो धांधली हज हाउस में हुई है उसकी पूरी पूरी जांच हो, और तब तक के लिए मौलाना हलीमुल्ला को जो महाराष्ट्र का जमीयत का सदर बनाया गया है उनको रद्द किया जाए, और उनसे पहले पूछा जाए कि ये फंड का मामला क्या है। बात मुफ्ती इस्माइल की अगर करेंगे तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये सियासी आदमी है, इसलिए जमीयत का जो जिम्मेदारी का जो पद है वो इन्हें नहीं दिया जा सकता। मगर जमीयत की जो गाइडलाइन है उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि अगर माली यानी पैसों के ताल्लुक से किसी के ऊपर आरोप है तो उसे भी जमीयत का सदर नहीं बनाया जा सकता। और जमीयत के जिम्मेदारान में क्या मेंबर आप पार्लियामेंट नहीं रहे हैं? नियम है, अगर गाइडलाइन है तो सबके लिए है, सिर्फ मुफ्ती इस्माइल साहब या इस तरह के दूसरे लोगों पर थोड़ी है। तो मेरी इस वीडियो के जरिए ये मांग है जमीयत के ऊपर के जो जिम्मेदारान हैं, अभी वक्त है, वरना इन पैसों के कारण जमीयत पर जो दाग लगेगा उसको धोना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और इस जांच के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए जिम्मेदारों को, सबसे नहीं मिल सकते तो जो मुंबई के जिम्मेदारान हैं उनसे मिलें,
और करोड़ों का ये फंड किसके पास है, इस मामले को साफ करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मेरे ताल्लुकाती लोग हैं, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी कहते हैं कि यार तुमको मौलाना से डर नहीं लगता? तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि जन्नत जहन्नम का फैसला मेरा खुदा, जिसे मैं अल्लाह के नाम से भी आवाज़ देता हूँ, खुदा के नाम से भी आवाज़ देता हूँ, वो फैसले करेगा। कोई आलमी दीन अगर अच्छा होगा, अच्छे ख्यालात का होगा, कोई घोटाला नहीं किया होगा, किसी का कुछ कब्जा नहीं किया होगा, तो मुझे दुआएं दे सकता है। अच्छे आलमी दीन की दुआएं लेनी चाहिए। मगर अब इस युग में ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं कि मेरे पास जितने प्रूफ हैं, अगर मैं उसे जनता के सामने रख दूं, तो ये लोग मुंह छुपाकर अपने अपने गांव भाग जाएंगे। मगर इन्हें भागने नहीं देना है, करोड़ों के इस मामले का हिसाब लेना है। वरना गेहूं चावल का मामला सिराजुल उलूम का मुझे अच्छी तरह मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है, और बहुत सारे लोगों को जो मालूम है, सिर्फ मालूम है, मेरे पास तमाम वीडियोस, किसने मुझसे बात करने की कोशिश की कि एक ट्रक गेहूं निकालने के लिए 10,000 रुपये आप ले लो, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। सिराजुल उलूम में कितना गेहूं चावल सरकारी आता था, किसे बेचा जाता था, सब कुछ मेरे पास मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि और कचरा हो जाए, इसलिए जमीयत के जिम्मेदारों से, सिराजुल उलूम के जिम्मेदारों से मैं गुजारिश करता हूँ, साथ ही मुंबई के जो जमीयत के जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस मामले को बैठकर जनता के सामने लाया जाए कि इसमें कितने करोड़ का घोटाला है। वरना फिर वही बात है, फिर धरने होंगे, मोर्चे होंगे, फिर यही होगा कि मज़हब इस्लाम के चाहने वालों को अपने ही लोग बदनाम कर रहे हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए, मैं भिवंडी शहर के तमाम जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ, मुंबई शहर के तमाम जमीयत के जिम्मेदारान से गुजारिश करता हूँ, साथ ही देवबंद में बैठे जो जिम्मेदारान हैं, दिल्ली में बैठे हुए जमीयत के जो जिम्मेदारान हैं, या इस मुल्क में कहीं भी वो बैठे हुए हों, तो इस मसले को हल करने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को दिली तकलीफ हो, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का चंदे के रूप में जमा जो पैसा है, कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मामले को इंक्वायरी करके साफ किया जाए। वरना तो सरकार है, कागजात भी आगे जा चुके हैं, जांच तो होनी है, मगर उससे पहले सब मिलकर अगर जांच कर लें तो बेहतर हो, सबकी इज्जत बच जाएगी। मैं खान फखर आलम।